Hello, dear students. Hope all of you are well. So, here I have come up with the second chapter, History of Class 10 Seva. The name of the chapter is Rise of Gandhi and the Freedom Movement of India. This chapter is very much essential for those who are about to appear in any upcoming competitive exam. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिन लोगों को पता नहीं है ये चैप्टर और ये वीडियो अगर वो लोग फॉलो करते हैं तो पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री उन लोगों को पता चल जाएगा ठीक है so, सो मेरे साथ अगर आप लोग एंड तक बने रहते हैं तो पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा ओके अस स्टार्ट नाउ व्हाट वी आर अबाउट टू स्टडी इन दिस चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ गांधी हाउ गांधी इमर्स्ट एंड एंटरड इंटू द नेशनल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया ठीक है यह पढ़ेंगे फ्रॉम द ईयर नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टीन से लेकर नाइनटीन फोर्टी सेवन तक की सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि इमरजेंस ऑफ गांधी उसके बाद पढ़ेंगे हाउ डिड गांधी अप्लाइड हिस टूल ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया चंपारण मूवमेंट खेरा सत्याग्रह अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ओके फिर हम लोग पढ़ेंगे रौलट एक्ट ओके फिर हम लोग पढ़ेंगे जालियन वाला बाग मासा क्यों खिलाफत मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट साइमन कमीशन पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है सिविल डिजोविडियंस मूवमेंट गांधी पैक्ट 1932 का कॉम्युनल अवार्ड डिक्लेरेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट 1937 से लेकर 1939 तक का कांग्रेस का पीरियड पढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर टू की स्टार्ट पढ़ेंगे ठीक है 1940 का डिमांड फॉर पाकिस्तान और टू नेशन थियोरी ऑफ जिन्ना ये पढ़ेंगे 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे 1943 में जो बाहर इंडिया के बाहर जो मूवमेंट चले थे बाई द आजाद हिंद फौज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये पढ़ेंगे एंड एट लास्ट विल कंक्लूड दिस चैप्टर विद द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया क्लियर सो लेट स्टार्ट पहला हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में कौन थे महात्मा गांधी महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी ओके हु वाज बोर्न मोहनदास करमचंद गांधी हु वाज बोर्न ऑन 2nd अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर ए कोस्टल टाउन इन प्रेजेंट गुजरात में उनका जो पिताजी का नाम था करमचंद गांधी वो एक दीवान थे हु वाज दीवान कहां पर पोरबंदर स्टेट ए स्मॉल प्रिंसली स्टेट इन द काठियावर एजेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश इंडिया में काठियावर एक प्रिंसली स्टेट था और वही के उस प्रिंसली स्टेट के दीवान थे दीवान मींस अकाउंटेंट याद रख लेना अकाउंटेंट तो महात्मा गांधी के पिताजी थे अकाउंटेंट क्लियर ओके नाउ जब महात्मा गांधी अठारह साल के हो गए देन ही वैंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लो तो नाइन एटीन नाइनटी वन में फिर वो वापस आ गए एटीन हंड्रेड एट्टी एट में वो गए इंग्लैंड वहां पर उन्होंने लो की पढ़ाई की और फिर एटीन हंड्रेड नाइनटी वन में वापस इंडिया में आ गए इंडिया में आने के बाद एज ए लॉयर उन्होंने ट्राई किया राजकोट बॉम्बे बट उन लोगों उन्हें हिंदुस्तान में जो ये वकालती थी वो अच्छे से जम नहीं रही थी ठीक है टर्निंग पॉइंट उनके लाइफ में आया जब गुजरात गुजरात के ही एक मर्चेंट थे क्या थे मर्चेंट जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला दादा अब्दुल्ला तो उनका एक केस के सिलसिले में गांधी जी को लेकर वो गए थे साउथ अफ्रीका ठीक है एंड देयर गांधी जी लाइफ फुल्ली टर्न्ड। वहां पर जाके उन्होंने देखा व्हाट वेयर द ह्यूमिलेशन इंडियंस हैड टू फेस इन द हैंड्स ऑफ वाइट पीपल और द ब्रिटिशर्स तब साउथ अफ्रीका जो था वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट या वाइट पीपल का ही एक कॉलोनी था जैसे इंडिया भी एक ब्रिटिशर्स का ही एक कॉलोनी था ओके सो वहां पर उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया तो गांधी जी का यह एक बहुत बड़ा अच्छा क्वालिटी यह था कि जहां पर भी वो डिस्क्रिमिनेशन देखते थे वहां पर वो आवाज उठाते थे पर उनका आवाज उठाने का तरीका बहुत सॉफ्ट था ओके तो उन्होंने क्या किया वहां पर एक पॉलिटिकल एसोसिएशन उन्होंने स्थापना किया पॉलिटिकल एसोसिएशन का नाम था नेटल इंडियन कांग्रेस और वहां पर एक न्यूज़पेपर भी उन्होंने चलाया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन इंडियन ओपिनियन ठीक है फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम ही यूज्ड हिज वेपन ऑफ पैसिव नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस व्हिच वाज लेटर एज सत्याग्रह गांधी जी अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे बट उनका जो रेजिस्टिव टेक्निक था पैसिव रेजिस्टेंट टेक्निक इट वॉज फुल्ली ऑफ नॉन वायलें पूरा नॉन वायलेंस था तो गांधी जी के पास दो बड़े ही हथियार थे एक था ट्रुथ सत्य और दूसरा था नॉन वायलेंस अहिंसा नॉन वायलेंस ठीक है तो पहली बार गांधी जी ने ये जो टर्म यूज किया था सत्याग्रह और उनका जो ये वेपन यूज किया था इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी लॉज इन साउथ अफ्रीका ओके सत्याग्रह तो सत्याग्रह दो वर्ड से बना हुआ है सत्या मींस ट्रूथ आग्रह मींस होल्डिंग ऑन टू तो गांधी जी हमेशा सच के ओर रहते थे और सच को लेकर ही उन्होंने अपनी पूरा जीवन व्यतीत किया ठीक है ओके okay. नाउ <coughs> गांधी जी नाइनटीन में इंडिया वापस आ गए इंडिया वापस आने के बाद ऐसे तो नहीं था कि लोग गांधी जी को पहचानते नहीं थे यस पीपल यूज टू नो गांधी बट मास लीडर नहीं बन पाए थे वो अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को ओके okay? जो एक मॉडरेट कांग्रेस लीडर थे तो गोपाल कृष्ण घोखले कौन थे महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु तो 1915 में जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि हाउड एंटर इनटू द नेशनल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया कैसे या कैसे इंडियंस की जो हालत थी साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो इंडियंस की हालत देखी वही हालत इंडिया में आने के बाद भी उन्होंने सेम देखा तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को बताया कि एक साल तक आप पूरे इंडिया का भ्रमण करिए और फिर एक कंक्लूशन निकालिए कि हाउ टू डील तो पूरे एक साल वो घूमते रहे 1915 से लेकर लगभग 1916 तक पूरा एक डेढ़ साल घूमते रहे ट्रेन से उन्होंने ज्यादातर सफर किया फिर 1917 में पहली बार इंडिया में गांधी जी ने मूवमेंट शुरू किया कहां पर चंपारण में चंपारण कहां पर है चंपारण बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है पहली बार इंडिया में कहां पर अगर क्वेश्चन यह पूछता है कि पहली बार इंडिया में महात्मा गांधी ने कहां पर सत्याग्रह शुरू किया था एंड दैट वाज चंपारण बिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार स्टेट का चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ठीक है तो क्यों किया था ओके लेटेस्ट स्टडी देखिए चंपारण बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक लो लगा दिया गया था कि जितने भी फार्मर्स थे आर द फार्मर्स इन इंडिया ओके उनको इंडिगो प्लांट करना इंडिगो प्लांट करना जरूरी था जरूरी था अभी इंडिगो क्या है इंडिगो इज नथिंग बट एक्चुअली नील नीला कलर है एक कलर है ओके नाउ, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में शुरू किया था तीन कठिया सिस्टम तीन कठिया सिस्टम ठीक है याद रख लेना आप लोग कि वन बीघा जो ये लैंड मेजरमेंट है इज इक्वल टू ट्वेंटी कठा मतलब किसी भी लैंड ओनर या फार्मर हो जिसके पास ट्वेंटी बी का लैंड होगा उसको कंपलसरीली तीन में इंडिगो उगाना पड़ेगा और वो इंडिगो ब्रिटिशर्स इंडियन फार्मर से खरीदती थी और खरीदने के बाद उसे वेस्टर्न कंट्री के मार्केट में बेच देती थी और वही एज ए डाई यूज होता था कपड़ों को कलर करने के लिए इसी टाइम पर क्या हुआ 1917 के दौरान क्या हो गया कि जर्मनी में एक सिंथेटिक डाई आ गया जो इस इंडिगो से काफी सस्ता था तो पहले तो ब्रिटिशर्स इंडियन फार्मर्स से जितने भी इंडिगो उगता था वह आसानी से वो लोग खरीद लेते थे बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जर्मन सिंथेटिक डाई ब्रिटिशर्स ने ये इंडिगो खरीदना बंद कर दिया बट कंपल्सरीली ये इंडिगो इंडियन फार्मर्स को उगाना जरूरी था ठीक है अगर खरीदते भी थे तो बहुत कम पैसे पे खरीदते थे ओके तो इसी के खिलाफ फार्मर्स को लेकर महात्मा गांधी ने यह आंदोलन शुरू किया सत्याग्रह का अगेंस्ट द तीन काठिया सिस्टम ऑफ इंडिगो प्लांटेशन <laughs> फिर आ गया एंड गांधी जी वॉज सक्सीडेड इन दैट तीन तीनखटिया सिस्टम एबोलिश हुआ इंडिगो प्लांटेशन का एबोलिशमेंट हो गया ओके okay. फिर आया 1918 का समय खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा एक गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है गुजरात गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा ठीक है 1918 में क्या हुआ गुजरात के इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत प्लेग फैल गया था प्लेग प्लेग तो पता है चूहे के काटने से जो बीमारी फैलती है ठीक है और बहुत फेमाइन भी हो गया था सूखा पड़ गया था जिसके वजह से सूखा पड़ जाने की वजह से इतना फसल नहीं हो पाया था जितना चाहिए था बट वेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया लैंड टैक्स का तो यहां पर जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि वैसे भी हमारा फसल ठीक से नहीं हुआ एंड नाउ यू आर आस्किंग दैट हमें और एक्स्ट्रा ट्वेंटी थ्री परसेंट का लगान देना है तो इसी को लेकर महात्मा गांधी ने इधर ये आंदोलन शुरू किया महात्मा गांधी का आंदोलन यह था कि जितने भी फार्मर्स थे उनको क्या करना है उनको प्रोटेस्ट करना है उनको टैक्स नहीं देना है ओके तो उन्होंने टैक्स नहीं देने का वादा किया और जो भी टैक्स मांगने आएंगे उनके ऊपर कोई भी वायलेंट एक्टिविटीज नहीं करना है ओके एंड गांधी जी व सक्सेसफुल इन दिस आल्सो, टैक्स एबोलिश किया गया दो साल तक उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी अभी हम लोग देखेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ओके अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ओके अहमदाबाद में एक 1918 में ही लेबर डिस्प्यूट हो गया था गुजरात का था, फेमाइन ऑलरेडी हो चुका था जहां पर लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था और ऊपर से प्लेग भी था लगभग दस हजार से ज्यादा लोग मर चुके थे गुजरात रीजन में मोस्टली तो जितने भी टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स थे ठीक है उन्हें इन ड्यूरिंग दैट ड्यूरिंग दैट फेमाइन सीजन आल्सो उन्हें बोनस मिलता था ओके okay. बट जब ये प्लैग खत्म हो चुका था पूरी तरीके से लगभग तो टेक्सटाइल मिल के जो ओनर थे उन्होंने मना कर दिया ठीक है टेक्सटाइल मिल के जो ओनर थे क्लियर टेक्सटाइल मिल के जो ओनर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि जितने भी वर्कर्स है वर्कर्स है उन्हें बोनस नहीं दिया जाएगा ओके okay? बट जो वर्कर्स थे उनका डिमांड था कि उन्हें कम से कम पचास परसेंट का बोनस चाहिए ओके okay? उनके हिसाब से कि हां हो सकता है कि यह बीमारी खत्म हो चुका है बट अभी भी थोड़ा बहुत था अभी भी उनका जो कंडीशन था पूरी तरीके से सेक्ट्री नहीं था उनका हालत में कोई सुधार नहीं आया था इसीलिए उनको बोनस चाहिए था बट ओनर्स ने बोला बोनस नहीं देंगे फिर स्ट्राइक शुरू होगी तो फिर उस स्ट्राइक में क्या हुआ <coughs> गांधी जी के कुछ फॉलोअर्स थे जिन्होंने गांधी जी को बुलाया और फिर गांधी जी ने पूरी तरीके से उस जगह का जायजा लिया और पूरा मैटर को समझने के बाद वो भी वर्कर के साथ आगे ठीक है तब ओनर मिल के जो ओनर थे उन्होंने देखा कि आप तो गांधी जी भी आ चुके हैं तो हम लोग को बोनस तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग कम से कम आपको ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा बोनस नहीं दे सकते बट तो वर्कर्स तो अड़े हुए थे कि पचास परसेंट ही देना पड़ेगा पर एस पर गांधी जी जो बोनस बनता था वो थर्टी फाइव परसेंट होता था ठीके? और तभी उन लोगों ने स्ट्राइक किया और यही पर गांधी जी के पूरे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे सारे वर्कर को कि आपको स्ट्राइक तो करना है पर थ्रू नॉन वायलेंट मीनस आप मिल के ओनर को कोई भी वायलेंट मीन से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते ठीक है मतलब आपको अपनी मांगे रखनी है बट हस कर, क्लियर है यहां पर भी गांधी जी सक्सीड हुए और वर्कर्स को बाद में 27.5 परसेंट का बोनस मिला रेदर देन 50 परसेंट क्लियर ओके अभी हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट देखिए रोलेट एक्ट समझने के लिए 1914 में से लेकर लगभग 1918 तक चला था वर्ल्ड वॉर वन ठीक है तो ड्यूरिंग दैट वर्ल्ड वॉर जो यूके मतलब ब्रिटिशर्स वो था वर्ल्ड वॉर दो पावर के बीच में हुआ था एलाइट पावर और एक्सिस पावर ठीक है एलाइट पावर में था यूके या ब्रिटिश जिसे आप बोलते हैं ब्रिटिशर्स तो वे जब लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर वन तब वो चाहते थे कि एक इंडिया तो उनका ब्रिटिश का ही कॉलोनी था तो वो लोग चाहते थे कि इंडिया में प्रोटेस्ट ना हो कोई भी मास मूवमेंट ना हो रीजन ये था कि दे वेर स्ट्रांगली बिजी इन दैट वर्ल्ड वॉर वन क्लियर इसीलिए उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाई थी 1915. और उसी एक्ट का ही एडवांस्ड एडवांस वर्शन है रोलट एक्ट ठीक है रोलट एक्ट बनाने का ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस सही था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी मास मूवमेंट ना कर पाए अगर मास मूवमेंट होगी लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा प्रोटेस्ट में होगी तो ब्रिटिशर्स कैन नॉट एबल टू तो एडमिनिस्टर द होल टेरिटोरी ऑफ इंडिया यही कारण था उन्होंने रोलट एक्ट बनाया 1919 में ठीक है 1919 अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रोटेस्ट के ऊपर पूरी तरीके से बैन लग गया क्योंकि इस एक्ट के तहत किसी को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट भनक लगने पर कि कोई भी अगर अगेंस्ट द नेशनल है अगेंस्ट द नेशनल मतलब कोई भी एंटी सोशल या एंटी नेशनल एलिमेंट होगा उसको अरेस्ट कर सकती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट वारंट के वारंट के बिना उसको अरेस्ट किया जा सकता था एंड उसको डिटेन किया जा सकता था मतलब जेल में डाल सकता था और उसका कोई विदाउट ट्रायल जुडिशियल रिव्यू ये सब कोई सिस्टम नहीं था ये हो गया रॉलर अटैक्ट तो इस एक्ट के खिलाफ भी गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया हड़ताल चलाया बट इनटू नॉन वायलेंस मीन फारद गांधी को अरेस्ट कर लिया गया ओके okay. फिर यही रॉलट एक्ट के दौरान 1919 में थर्टींथ अप्रैल को एक बहुत ट्रेजिडी इंसिडेंट हुआ थर्टींथ अप्रैल 1919 में अमृतसर मसाकर या इसे बोलते हैं जालियनवाला जालियन वाला, जालियनवाला जालियन बाग मासाकर ठीक है जालियन जालियान वाला बाग मासाकर क्लियर जालियन वाला मसाकर बोलते हैं ओके यह घटना क्या हुआ था पहले वो समझिए एस हर तरफ प्रोटेस्ट चल रहा था ड्यू अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट क्योंकि वो जो एक्ट था लोगों हिंदू को हो या मुस्लिम हो हर किसी को अपने फेस्टिवल तक करने से रोक रही थी क्योंकि पीस असेंबली तो पूरी तरीके से बैन था ठीक है नहीं आप इकट्ठा नहीं हो सकते प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो तभी क्या हुआ सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक पंजाब रीजियन के दो बहुत बड़े नेता थे उन दोनों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया ठीक है और इन्हीं के लिए पंजाब प्रोविंस में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था क्लियर जब बैसाखी का महीना था ओके, थर्टींथ अप्रैल को बहुत सारे लोग अमृतसर के जालियन बाग एक पूरे वाल के से घिरा हुआ एक इलाका था एक जगह था जहां पर बहुत सारे प्रोटेस्टर्स अपने कुछ वैसाखी का महीना था तो रिलीजियस फेस्टिवल को आ, मतलब सेलिब्रेट करने के लिए वो सब इकट्ठा हुए और वहीं पर जनरल डायर कमांडर थे उन्होंने फायर किया सबके ऊपर बहुत सारे लोग मारे गए बहुत सारे लोग एक साथ मारे गए वहां पर एक कुआ था लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुए पर भी छलांग लगा दिया फिर भी लोग बच नहीं पाए अभी भी सेम प्लेस इज देयर अमृतसर में अगर कोई जाते हैं तो सेम प्लेस बी गेटिंग बुलेट मार्क्स अभी भी मिलते हैं उस वाल में ठीक है फिर ये जो जनरल डायर था पंजाब के ही एक फ्रीडम फाइटर बोल सकते हैं जिन्होंने उनका नाम था उधम सिंह उन्होंने सेवेंटी फोर में जाकर लगभग सेवेंटी फोर सेवेंटी के बाद में जाकर जनरल डायर को गोली मारी थी वो भी इंग्लैंड में जाकर ओके ये था जालिन वाला बाग मासा के एक साथ बहुत सारे लोगों को मारा गया निहत्ते लोगों को मारा गया ओके नाउ विल स्टडी अबाउट खिलाफत मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट देखिए 1919 तब के जमाने में जितने भी मुस्लिम्स पूरे दुनिया में तब 1919 में जितने भी मुस्लिम्स थे सारे मुस्लिम्स ओटामैन एम्पायर मतलब टर्की आज का टर्की उस जमाने में वो उसे ओटामे एम्पायर कहा जाता था तो ओटामन एम्पायर का जो किंग थे सारे मुस्लिम्स उन्हें खलीफा मानता था अपना और ब्रिटिशर्स ने उसी खलीफा को अपने तख्त पे से हटा दिया था और इसीलिए जितने भी पूरे दुनिया के मुसलमान थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए ठीक है और इसी मूवमेंट को चलाने के लिए इंडिया में भी पहले दो भाई मुस्लिम ब्रदर्स मोहम्मद अली और शोकत अली उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया ताकि का जो खलीफा है उन्हें रिस्टोर किया जा सके क्योंकि पूरे मुसलमान कम्युनिटी उन्हें अपना खलीफा मानती थी महात्मा गांधी ने यहां पर एक अपॉर्चुनिटी देखी कि हिंदू तो पहले से ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे ड्यू टू देश मीन्स और ऑपरेसिव लॉज ऑफ ब्रिटिशर्स ओवर इंडियंस महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर खिलाफत मूवमेंट को हम सपोर्ट करें तो हिंदू और मुस्लिम एक साथ आएंगे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ब्रिटिशर्स ज्यादा देर तक इंडिया के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकती क्लियर है अंडरस्टूड ना खिलाफत मूवमेंट समझ में आ गया नेक्स्ट आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यह मूवमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट गोल यही था कि ब्रिटिश को इंडिया से हटाना है मतलब ब्रिटिश जो ऑपरेश पॉलिसीज इंडिया में लागू कर रही थी इसके खिलाफ आवाज उठाना है और इन सबको रिपील करना है खत्म करना है क्लियर तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिश में ब्रिटिश के जितने भी गुड्स उनको बॉयकॉट करना ब्रिटिश के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था उनको बॉयकआउट करना लॉ कोर्ट्स को बॉयकआट करना पोस्ट ऑफिस इवन मतलब कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रन होता था सबको बॉयकॉट करना यही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एजेंडा था बट थ्रू नॉन वायलेंट मीन क्योंकि महात्मा गांधी थे हमेशा वायलेंस के खिलाफ थे वो क्लियर ओके okay. तो नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का मेन रीजन अगर हम देखें तो पहला रीजन तो था वर्ल्ड वॉर वन जहां पर इंडियन सोल्जर्स को या इंडियन पैसे को ब्रिटिशर्स ने यूज किया था इन द वर्ल्ड वॉर दो इंडियन पीपल

नेक्स्ट बोल सकते हैं जालियनवाला बाग मासाकर हुआ था 1919 में इसके प्रोटेस्ट में रविंद्रनाथ टेगोर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1915 में उन्हें एक टाइटल दिया गया था नाइटहुड ठीक है उन्होंने उसे रिनाउंस कर दिया था उसे छोड़ दिया था क्लियर वापस कर दिया था ओके okay. फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशर्स इनटू द इंडिया और लास्टली खिलाफत मूवमेंट मुसलमानों ने भी शुरू किया था इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी शुरू किया गया क्लियर नाउ बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मेन एजेंडा महात्मा गांधी ने बोल के दिया था क्या कि होना चाहिए नॉन वायलेंट मीन के तहत वेर एस चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया नाइनटीन में चोरी चोरा कहा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्टिट्युएसी में ही एक जगह है चोरी चोरा जहां पर फिफ्थ फरवरी को ट्वेंटी टू पुलिसमैन जहां पर लोग नॉन कोऑपरेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे शायद पुलिस वालों ने उनके ऊपर फायरिंग किया या चार्ज किया उसके प्रोटेस्ट में वायलेंट मींस अपनाया गया बाईस पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन सहित जला दिया गया था इससे गांधी जी बड़े ही आहत हुए और फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्लियर और इसके बाद गांधी जी को जेल भी हो गई छह सालों की अंडरस्टूड ओके अस कंटिन्यू ओके फिर आती है बात साइमन कमीशन की ओके okay? साइमन कमीशन समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा 1919 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है लॉर्ड कैम्सफोर्ड लॉर्ड कैम्सफोर्ड थे तब भाई उन्होंने इस एक्ट को पारित किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो उस एक्ट में पहले से ही लिखा गया था कि 10 साल के बाद मतलब 1929 को एक कमीशन आएगी और यह कमीशन डिसाइड करेगी अकॉर्डिंगली 1928 अकॉर्डिंगलीट कमीशन ऑफ सात मेंबर का एक कमीशन आया अराइव इन इंडिया इन इन ऑर्डर टू चेक द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या क्या रिफॉर्म्स हुआ क्या क्या चेंजेस आए ठीक है इसको चेक करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था सर जॉन साइमंड उसके हेड थे सात मेंबर थे 1928 में भारत आए क्लियर लेकिन ये जो कमीशन था इसमें सातों के सातों ही अंग्रेज थे ब्रिटिशर्स अभी इंडियन के बारे में बोलना है इंडिया में कैसे ब्रिटिश की पॉलिसी चल रही है इंडियंस खुश है कि दुखी है इसके बारे में तो इंडियंस को हक होना चाहिए बोलने का बट यहां पर इस कमीशन के तहत पूरा हक ब्रिटिशर्स को ही था वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कैसे 10 साल तक इस एक्ट ने एक्ट के तहत इंडिया में रिफॉर्म्स आए अगर नहीं आए तो फिर से वो लोग रिफॉर्म लाएंगे तो इस कमीशन के सारे ही जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स बोलिए या जितने भी कॉमन पीपल थे जिनको थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स की समझ थी सभी इस कमीशन के खिलाफ हो गए और तब एक बहुत एक कॉमन नारा बहुत कॉमन हुआ गो बैक साइमन रीजन वही था कि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था सारे के सारे सातों मेंबर्स कौन कहा के थे सारे के सारे सातों मेंबर्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही मेंबर्स थे क्लियर तो मैसिव प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ पंजाब प्रोविंस में एक बहुत शक्तिशाली लीडर थे या बहुत एक बोल सकते प्रोमिनेंट लीडर थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कांग्रेस का तो ड्यूरिंग दैट प्रोटेस्ट उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ और एक लाठी जाके उनके सर के ऊपर लग गया और आफ्टर दैट ड्यू टू सीवियर इंजरी लाला लाजपत राय डाइट क्लियर फिर आ गया वक्त 1929 का लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में जहां पर प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बातें की गई मतलब भारत को अभी और डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था ब्रिटिश का कॉलोनी बनकर नहीं रहना था भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था भारत के लोग खुद अपना गवर्नमेंट बनाना चाहते थे और खुद अपना राज करना चाहते थे ठीक है तो 1929 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हुई कहां पर लाहौल सेशन ऑफ कांग्रेस और इसी के तहत कॉन्सिक्वेंटली जनवरी 26 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया थ्रू आउट द कंट्री बाय होस्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग विच इज एक्चुअली डिसाइंड बाय पिंगली वेंकैया ठीक है क्लियर ओके नेक्स्ट फिर आता है आपका सिविल डिजोबिडियंस मूवमेंट ओके सिविल डिजोबिडियंस मूवमेंट समझने के लिए क्यों सिविल डिजोबिडियंस मूवमेंट देखिए एक तो साइमन कमीशन अपना ये रिपोर्ट सौंपने वाली थी उसी जगह पर कोई भी टॉलरेंट नहीं था साइमन कमीशन के रिपोर्ट को लेकर सो कांग्रेस को कहा गया कि आप लोग भी एक रिपोर्ट बनाइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत कि क्या कोई रिफॉर्म चाहिए इंडिया में ओके okay. तो मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी उन्होंने सबमिट किया था नेहरू रिपोर्ट ओके okay? और साइमन कमीशन ने दिया था अपना साइमन कमीशन रिपोर्ट बट ये जितने भी क्लॉसेस नेहरी रिपोर्ट में दिया गया था उससे इवन जवाहरलाल नेहरू मतीलाल नेहरू के बेटे उन्हें भी अच्छा नहीं लगा बिकॉज ऑफ द रीजन उस नेहरी रुपेट में इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनी के हिसाब से ही रखने का बातें किया गया था और डोमिनियन स्टेटस की बातें की गई थी जैसे हमें पता है कि हमारा पूरा देश इंडिया है और हम जिस स्टेट पे रहते हैं वो है असम असम का खुद का गवर्नमेंट है बट मेन अथॉरिटी किसके पास है इंडिया के पास है उसी तरीके से डोमिनियन स्टेटस का मतलब वही है कि वायसराय तो ब्रिटिश का ही रहेगा बट इंडिया के लोग गवर्नमेंट में आ सकते चला सकते बट मेन डिसीजन ब्रिटिश ही लेंगे इसी को कहते हैं डोमिनियन स्टेटस क्लियर तो इससे कोई भी खुश नहीं था इसीलिए गांधी जी को बोला गया और गांधी जी भी एक कोई एक रीजन ढूंढ रहे थे ताकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा सके फिर गांधी जी को मिल गया वो रीजन वो था सॉल्ट लॉ ब्रिटिश ने सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगाया हुआ था जैसे हमें सांस लेना जरूरी है ठीक है हमें सांस लेना जरूरी है पानी पीना जरूरी है उसी तरीके से नमक भी हम हमारे जीने के लिए जरूरी है और हमारे देश से ही वो नमक आता है और उसी के ऊपर हमें टैक्स देना है इसीलिए महात्मा गांधी ने इस लॉ को ब्रेक करने के बारे में सोचा और वहीं से शुरू हो गया सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट क्लियर कब शुरू हुआ था सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट अगर कहा जाए तो ट्वेल्थ मार्च 1930 साबरमती याद रखना साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ पैदल चलना शुरू किया और सिक्स अप्रैल 1930 को वो पहुंच गए कहां पर डांडी कोस्टल टाउन एक कोस्टल एरिया है गुजरात रीजन में उन्होंने लगभग 390 किलोमीटर पैदल यात्रा किया और वहां पर जाकर गांधी जी ने नमक बनाया और वहीं से शुरू हो गया सिविल डिजोबिडियंस मूवमेंट डिजोबिडियंस का मतलब होता है ना मानना तो ब्रिटिशर्स ने बनाया सोल्ट लो जिसके ऊपर टैक्स देना है और गांधी जी ने कहा कि हम अपना नमक खुद बनाएंगे क्लियर फिर वहीं से शुरू हो गया पिकेटिंग सोल्ट uh, लो मैन्युअली लोगों ने सोल्ट बनाना शुरू किया उसका इफेक्ट क्या क्या आया सिविल मूवमेंट का इफेक्ट क्या है लोगों ने जो शॉप थे फॉरेन फॉरेन गुड्स और लीकर लीकर जहां पर भी था सबको मतलब करना शुरू किया पिकेटिंग बंद करना शुरू किया क्लॉथ ब्रिटिश के क्लॉथ जलाया गया लोगों ने टैक्स देना रिफ्यूज कर दिया एवॉयडेंस ऑफ ऑफिस अवॉइड करना शुरू किया पब्लिक ऑफिसर्स या स्कूल्स बाय द स्टूडेंट सब हो गया इवन वीमेंस ऑल्सो ज्वाइंट इन टू द सिविल डिजोविडियंस मूवमेंट क्लियर ऐसे नहीं है कि सिर्फ गांधी ही सिविल डिजोबिडियंस मूवमेंट चला रहे थे इन द अपोजिट साइड ब्रिटिशर्स ऑल्सो वॉन्टेड टू रूल ओवर इंडिया एंड दे वॉन्टेड टू सप्रेस द मूवमेंट इन्हीं लिए तब वाइसरेव कौन थे लॉर्ड इरविन तो उन्होंने गांधी को बुलाया और फिर साइन हुई गांधी इरविन पैक्ट इस पैक्ट के तहत दो मेन क्लोजेस क्या थे कि कांग्रेस वुड पार्टिसिपेट इन द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब तीन राउंड आने वाले समय में तीन राउंड फ्रॉम 1930 ऑनवर्ड्स तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा और वहीं पर डिसाइड किया जाएगा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट कौन से कौन से क्लोज को रखना है और किसको नहीं रखना है एंड हाउ टू डील विद द सिचुएशन इन इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज ऑल फ्रॉम प्रिजन क्योंकि सिविल डिसोबिड मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए जितने भी सत्याग्रही थे नॉन वायलेंट मीन के जितने भी प्रोटेस्टर थे सबको जेल में डाल दिया था और इसी गांधी पैक्ट के तहत उन्हें छोड़ा गया ओके okay? नेक्स्ट फिर आता है आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस में कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल टेबल कॉन्फ्रेंस तो हुई बट कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बट एट एंड इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं आया ठीक है फिर गांधी जी ने सोचा था कि फिर से शुरू किया जाएगा सिविल डिजोबिडियंस मूवमेंट को बट बिफोर इट रिस्टार्टेड गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया लाठी चार्जेस, ब्रिटिशर्स ने बहुत वायलेंट मींस यूज किया इस पूरे मूवमेंट को सप्रेस किया और 1934 में सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट बंद हो गई क्लियर फिर से 1932 में रामसे से मैकडोनल्ड ठीक है रामसे से मैकडोनल्ड थे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने सोचा कि इस तरीके के मूवमेंट को बढ़ावा अगर मिलेगा तो ब्रिटिश को बहुत तकलीफ होगी एडमिनिस्टर करना रूल करना इंडिया के ऊपर तो उन्होंने कुछ कम्युनल अवार्ड देना शुरू किया मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट ठीक yes. है सेपरेट इलेक्ट्रॉरिट दिया जाएगा सिख को अलग क्रिश्चियन को अलग मुस्लिम को अलग सारे अवार्ड इलेक्ट्रेट अवार्ड की बात किया गया क्लियर फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गई 1937 में देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था इंडिया एक्ट आया था 1935 और इसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस भी माना जाता है और इसमें ज्यादातर साइमन कमीशन के जो रिपोर्ट थे उससे ज्यादा क्लॉस लिया गया रेदर देंदर फ्रॉम द नेहरू रिपोर्ट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रोविंशियल ऑटोनोमी की बात की गई थी तो नाइनटीन में इलेक्शन हुए कांग्रेस ने बहुत सारे प्रोविंस में जीत हासिल की नाइनटीन 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया कब शुरू हुआ 1939 में शुरू हो गया था वर्ल्ड वॉर टू क्लियर एंड ब्रिटिशर्स वांटेड इंडियन आर्मी एंड इंडियन पीपल टू पार्टिसिपेट इनटू द वॉर अगेंस्ट द एक्सिस फोर्सेस एस ए इंडियन कल एस ए ब्रिटिश कॉलोनी बट यह बात किस किसी को भी बताई नहीं गई थी इसीलिए कांग्रेस मिनिस्ट्री में 1939 में पूरी तरीके से रिसाइन कर दिया क्लियर 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के प्रमुख थे अपने टू नेशन थ्योरी लेकर आए उन्होंने क्या डिमांड किया कि अगर भारत को आजादी मिलेगी अभी तो भारत है पहले तो हिंदुस्तान था हिंदुस्तान को आजादी मिलेगी तो मुस्लिमों के लिए क्या मिलेगा इसीलिए उन्होंने यह डिमांड रखा कि मुस्लिमों के लिए अलग एक देश बना दिया जाए और जिसका नाम होगा पाकिस्तान 1940, तो मोहम्मद अली जिन्ना वाज़ द फर्स्ट पर्सन पुट और हु साउड द सीड ऑफ पार्टीशन इन इंडिया बात समझ में आ रहा है उन्होंने एक टू नेशन थ्योरी रखा था अंडरस्टूड इसी के अगेंस्ट में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हो गया लोग ने नारा लगाया दिल्ली चलो और इन सत्याग्रह को अरेस्ट कर लिया गया पहला पर्सन जो अरेस्ट हो गए उनका नाम था आचार्य बिनोभा भाबे ओके okay? फिर ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर हम इंडिया को कुछ नहीं देंगे तो डेफिनेटली इंडियन पीपल विल आल्सो नॉट सपोर्ट टू द ब्रिटिशर्स इन द वर्ल्ड वॉर टू इसीलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन की बात की तो क्रिप्स मिशन क्या है एक पॉलिटिकल डेडलॉक था रीजन क्रिप्स मिशन की बातें क्यों हो रही थी रीजन यह था कि ब्रिटिशर्स का ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया ही एक कॉलोनी था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जैसे फिलीपाइंस हो गया हांगकॉन्ग हो गया मलाय आइलैंड हो गया सिंगापुर हो गया ये चारों चारो के चारों ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थे बट इन चारों के ऊपर जापानीज आर्मी ने हमला कर दिया था ये चारों कॉलोनी के ऊपर इसीलिए ब्रिटिशर्स डिड नॉट वांट टू तो लूज इंडिया दैट्स वाई उन्होंने सोचा कि इंडियंस को अगर हम अपने साथ नहीं लाएंगे तो हम इंडिया को अपने कॉलोनी कोलो के रूप में बचा नहीं सकते इसीलिए उन्होंने तब ब्रिटिशर्स का जो प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल 1942 को स्टार स्टे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के हाथों इंडियंस के एक फरमान भिजवाया और इसी को कहते हैं क्रिप्स मिशन ठीक है क्रिप्स मिशन के तहत इंडिया को क्या मिलने वाला था कहा गया था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जो भी मिलेगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू और इसके बदले में इंडियंस को सपोर्ट करनी पड़ेगी वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्लियर तो पहला उन्होंने क्या बात किया इंडिया को क्या मिलेगा डोमिनियन स्टेटस ये मैं समझा चुका हूं डोमिनियन स्टेटस क्या होता है फिर बोला गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया जाएगा जिससे इंडिया का जिसमें जो चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकता है जो चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकता है का मतलब यह है कि जितने भी प्रोविंसेस ब्रिटिश के अंदर ब्रिटिश कॉलोनीज थे ब्रिटिश प्रोविंस थे वहां से ब्रिटिश क्या हो सकता है वहां इलेक्शन होगी और इलेक्शन के तहत जो चुन के आएगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनेगा क्लियर? और जो भी प्रिंसली स्टेट थे मतलब जिनके ऊपर पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन नहीं था प्रिंसली स्टेट बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे ओके तो उन प्रिंसली स्टेट्स में से जो प्रिंस थे वो किसी दो लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ताकि भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और जो है वो इंडिया में पावर में रहेंगे क्लियर लेकिन लोगों ने इसे नहीं माना रीजन ये था कि ऑलरेडी 1921 में पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हो चुकी थी और यहां पर ब्रिटिशर्स क्रिस मिशन के तहत इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रही थी महात्मा गांधी ने तो यह तक भी कहा था कि इट इज लाइक ए पोस्ट डेटेड चेक मतलब जो भी कुछ मिलने वाला है वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू मिलने वाला है वो पहले ही इंडियंस देख चुके थे कि वर्ल्ड वॉर वन में इंडियंस ने बहुत साथ दिया ब्रिटिशर्स का बट ब्रिटिशर्स कंटिन्यू टू एक्सप्लॉयट इंडिया इन द सेम केस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटिशर्स इंडियन से हेल्प मांग रहे थे बट जो भी कुछ वो देंगे क्रिप्स मिशन के तहत वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्लियर इसीलिए इसको सबने रिजेक्ट किया इवन मुस्लिमों ने भी रिजेक्ट किया क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख थे उन्होंने इसे रिजेक्ट किया रीजन ये था उनका तो एक एजेंडा था टू नेशन थ्योरी उन्हें तो सेपरेट पाकिस्तान चाहिए था बट क्रिस मिशन के तहत पूरे इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देने की बात हो रही थी इसलिए उन्होंने भी उसे रिजेक्ट कर दिया क्लियर ओके नेक्स्ट आता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 अभी सबको पता चल गया था कि ब्रिटिशर्स कुछ नहीं देने वाले हैं क्रिस मिशन पूरी तरीके से फेल हो चुका था तो बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस में ये क्विट इंडिया रिसोल्यूशन लिया गया 8 अगस्त 1942 मतलब अभी इंडिया को कंप्लीटली इंडिपेंडेंस चाहिए था महात्मा गांधी ने स्लोगान दिया था डू और डाई करो या मरो इसके तहत ब्रिटिशर्स को बहुत मतलब धक्का लगा था बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स सपोर्ट चाह रहे थे उसी तरह सारे लोग वायलेंट रूप ले रहे थे वायलेंट हो गए थे सब इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे अभी तो इंडिपेंडेंस भी नहीं भारत छोड़ो आंदोलन मतलब ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट खुल्लम खुल्ला बोल रहे थे कि क्विट इंडिया इंडिया से फागो समझ में आ रहा है इट इज इट वॉज फॉलोड बाई सीवियर रिएक्शन फ्रॉम इंडियंस एंड मोर सीवियर सी मेजर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडियंस बहुत सीवियर रिएक्शन दे रहे थे बट इस चीज को सप्रेस या रिप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स भी बहुत आगे थे उन्होंने जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे सबको जेल में डाल दी ठीक है बट बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो अंडरग्राउंड होकर भी ये मूवमेंट चला रहे थे 1944 तक ओके क्विट इंडिया मूवमेंट का इंपैक्ट क्या आया पहली बार डेमोस्ट्रेटेड इ डेथ ऑफ फीलिंग पूरे मास स्ट्रगल या नेशनलिज्म का फीलिंग सबके अंदर आ चुका था बहुत सारे लोग सड़कों पर हर कुछ ब्रिटिशर्स को सिर्फ क्विट इंडिया बोल रहा था कि देश छोड़ दो पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन कम्युनिटी यूनाइटेड टूगेदर इट वॉज द मास रिवोल्ट बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंस नाइनटीन 42 में हुआ था 1857 में जैसे हुआ था म्यूटिनी उसके बाद 1942 में यह मास मूवमेंट था और इस बार तो यह उससे भी बहुत बड़ा मूवमेंट था ठीक है देर वॉज नो पोलिटिकल एक्टिविटी टिल नाइनटीन फोर्टी फाइव ऑफ द बिग लीडर्स वेर द लीडर्सन और ब्रिटिशर्स ने भी इसको बंद करने के लिए जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे लाला राजपत तो मर चुके थे बिपिन चंद्र पाल हो गए आपका अरविंद घोष हो गए ठीक है आपका सरदार पटेल हो गए बाल गंगाधर तिलक हो गए सब महात्मा गांधी हो गए सबको जेल में डाल दिया था Clear? Okay. अभी हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा में कटक शहर में उनका मौत कब हुआ विच इज अनून इंडियन नेशनल थे देखा जाए तो महात्मा गांधी से भी मास फॉलोअर थे सुभाष चंद्र बोस का जैसे 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था ज्यादातर को बंद कर दिया गया था तो 1942 से लेकर 44, 45 तक इंडिया के अंदर कोई, आपको कोई भी किताब पढ़ लो इंडिया के अंदर कोई मास मूवमेंट होता दिखाई नहीं दे रहा होगा बट इंडिया के बाहर इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई हो रही थी और उस लड़ाई के नायक कौन थे सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज की गठन किया था ओके okay. 1927 में पहली बार वो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बने जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडिपेंडेंटली काम किया फिर सिविल डिसोविडियंस के मूवमेंट के दौरान उन्हें जेल में भी जाना पड़ा 1930 में वो कोलकाता के मेयर चुने गए 1939 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए बट गांधी उनका भी शायद कोई आप बोल सकते कोई मजबूरी रही होगी गांधी गांधी डिड नॉट वांट सुभाष चंद्र बोस टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इसीलिए गांधी जी ने भी अपना एक खुद का कैंडिडेट इलेक्शन में उतारा था ये कांग्रेस के अंदर ही इलेक्शन हो रहे थे 1939 में पताबी सीतारामैया सुभाष चंद्र बोस ओन दैट इलेक्शन बट सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ ब्रिटिशर्स ज्यादातर अपनी कॉलोनी से कंट्रोल खो रही थी तब सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि 1939 में ही ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बनाया जाए इंडिया को छोड़ने के लिए बट महात्मा गांधी तब ये नहीं चाहते थे वे कहते थे कि दुश्मन के मतलब जब डिस्ट्रेस का समय हो तब अगर उसके ऊपर और लाठी से मारा जाए तो इससे नाइंसाफी कही जाएगी बट अल्टीमेटली 1942 में उन्होंने भी यही किया था जो सुभाष चंद्र बोस 1939 में करना चाहते थे ओके तो एक्चुअल में फिर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के जो ओपिनियन थे वो अलग अलग थे इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से रेजिग्नेशन दिया और फिर उन्होंने खुद एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की ठीक है इसका मोस्टली एपी सेंटर था कहां पर पता है कोलकाता एट प्रेजेंट कोलकाता उस समय कैलकाटा में था ओके फिर उन्होंने पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया हाउस अरेस्ट करके रख दिया किसको सुभाष चंद्र बोस को बट वह सुभाष चंद्र बोस भी बहुत दिमाग वाले थे आईसीएस की नौकरी छोड़कर जो इंसान देश की आजादी के लिए लड़ रहा था उसका दिमाग कितना हाई होगा वो इतने इंटेलेक्चुअल थे कि जिससे भी कहीं पर भी कोई बातें कर लेते थे लोग अपने आप उनका बातें सुनकर उनके फॉलोअर बन जाते थे ओके okay. तो कैसे भी करके उन्होंने 1930 से लेकर 40 तक 40 में उन्हें जेल में डाला गया 41 लगभग 41 42 में जेल में डाला गया फिर उन्हें हाउस अरेस्ट रेस्ट किया गया फिर वो वहां से निकल गए और पेशावर के रास्ते वो चले गए जार्मन हिटलर से जाके मुलाकात किया तो जार्मन जर्मनी जो था वो था एक्सिस पावर में जर्मनी था एक्सिस पावर में और ब्रिटिशर्स था एलाइड पावर में क्लियर बट हिटलर से जाके मुलाकात किया क्यों क्योंकि जर्मनी में भी इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर बहुत सारे ऐसे इंडियन सोल्जर्स थे जैसे जिन लोगों को जर्मन सोल्जर्स ने पकड़, पकड़ के रखा हुआ था कारण यह था कि इंडियन सोल्जर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के होके एस ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही वो अपना गवर्नमेंट मानती थी अपना ब्रिटिश इंडिया को अपना देश मानता था तो ब्रिटिश था एलाइट पावर में और जर्मनी था एक्सिस पावर में बात समझ में आ रहा है तो इसी के तहत जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर मतलब इंडियन सोल्जर्स को जर्मन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था उनको लेके सुभाष चंद्र बोस एक फौज बनाना चाहते थे पर यह हो नहीं पाई इसीलिए वो सबमरीन से होते हुए जापान आ गए और जापान आने के बाद उन्हें वही प्रिजनर्स ऑफ वॉर मिले जो इंडियन एक्चुअली इंडियंस आर्मी थे तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना की गई थी फॉर्मेशन हुआ था फाउंड किया गया था दैट वाज फाउंडेड बाय मोहन सिंह सिंगापुर में फर्स्ट सितंबर 1942 ठीक है और बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जिनके हेड थे रास बिहारी बोस उन्होंने ही ये पूरे इंडियन नेशनल आर्मी की बागडोर सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दे दिया और बाद में यह पूरा इंडियन नेशनल आर्मी कहलाया आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत अच्छा नारा दिया था गिव मी ब्लड आई शेल गिव यू फ्रीडम उन्हें यह पता था कि थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स कभी भी आजादी नहीं मिल सकती इट इज क्वाइट कंट्रोवर्शियल आजादी किसके लिए मिली बाय द एफोर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी और बाय द एफोर्ट्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस लोग तो यह भी कहते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो शायद पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू नहीं होके सुभाष चंद्र बोस होते क्लियर ओके नेक्स्ट 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आती है और लेबर पार्टी की जो सरकार थी उनका जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लिमेंट एटली विच हैड हु हैड ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द इंडियंस और इसीलिए वो चाहते थे कि इंडियंस को पावर सौंप दिया जाए मतलब इंडिपेंडेंस दे दिया जाए बट बिफोर ट्रांसफरिंग ऑफ पावर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए जिससे एक मतलब गवर्नमेंट देना है ना इतने दिन तक तो ब्रिटिशर्स अपने लॉ के कानून के हिसाब से इंडिया को चला रहे थे अभी अचानक इंडियन को अगर पावर दे दिया जाए तो ये एक मॉरलिटी की भी बात होती है कि इंडिया गवर्नमेंट कैसे रन करेंगे इसलिए एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कैबिनेट मिशन इंडिया में आया और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फॉर्मेशन हुआ क्लियर ओके okay. और उसी कैबिनेट मिशन के तहत तीन मेंबर इंडिया में आए स्टेफोर्ड क्रिप्स लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड एवी एलेक्सेंडर, ओके इन्होंने इंडिया को तीन ग्रुप में बांट दिया ठीक है पहले ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप जिसे हम बोल सकते हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसमें बिहार उड़ीसा ग्रुप बी नॉर्थ वेस्ट फ्र, फ्रंटियर प्रोविंस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जैसे पंजाब सिंध बलूचिस्तान, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ये वाला हिस्सा एंड दैट वेस्ट ये वाला हिस्सा तो ये वाला हिस्सा अभी तो इंडिया में किसका है पाकिस्तान का है पाकिस्तान में ओके एंड ग्रुप सी में बताया गया बंगाल एंड असम बंगाल एंड असम साउथ ईस्ट में है इधर

मुस्लिम्स अलग नेशन चाह रहे थे अपने लिए अलग देश चाहिए था तो जून थर्ड 1947 में डिक्लेयर किया गया कि इंडिया को पार्टीशन दो भागों में बांटा जाएगा और रेफरेंडम लिया जाएगा रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत लोगों से पूछा जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आज का पाकिस्तान है वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं उसके बाद प्रोविंस ऑफ बेंगोल वेस्ट बेंगोल जैसे हो गया और असम या पंजाब प्रोविंस वहां पर भी रेफरेंडम लिया जाएगा कि उधर पार्टीशन हो या ना हो एंड जो प्रिंसली स्टेट्स थे दे आर फ्री टू ज्वाइन एनी नेशन अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइस या तो वो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते थे या इंडिया ज्वाइन कर सकते थे क्लियर फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान दो देश बना दिए गए अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजाद कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को हमें आजाद कर दिया गया ठीक है दो डोमेन बना डोमिनियन बनाया गया इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया और उनको यह चॉइस दिया गया कि वो चाहे तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के तहत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंडर वो रह सकते हैं और अगर वो नहीं चाहे तो नहीं रहने से भी होगा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस मतलब जितने भी कंट्री पहले ब्रिटिश के कॉलोनी थे उसी को कहा जाता है कॉमनवेल्थ ईच डोमिनियन वॉज टू हैव ए गवर्नर जनरल होगा ठीक है ओके okay. तो जैसे ही आजादी मिली इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन आया या दो देश दो टू नेशन आया मोहम्मद अली जिन्ना बन गए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान और लॉर्ड माउंट बेटन बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक डिमाक्रेशन लाइन खींच दिया गया जिस लाइन का नाम था रेडक्लिफ ठीक है 1971 में देखिए जब पाकिस्तान और इंडिया 1947 में अलग हुआ यह तो था आपका पाकिस्तान इसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और यहां पर था ईस्ट पाकिस्तान जो एट प्रेजेंट बांग्लादेश और दोनों के बीच का जो इंडिया के बॉर्डर है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ इंडिया और बांग्लादेश का बीच का जो डिमार्केशन लाइन है ये भी आजकल क्लिफ लाइन के तहत ही जाना जाता है ओके सो होप आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आई होगी अगर यह लेक्चर पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ओके okay? और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना गुड बाय